सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल्की गुरुकुल से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। श्री कल्की से प्रार्थना करते हुए हम सभी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम श्री सर्वदेव पदम करुण परम ज्योति नमः। सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। श्री अम्मा भगवान कई सालों से आपके इहम एवं परम के लिए अनेकों टीचिंग्स के माध्यम से मार्गदर्शन देते आए हैं। जब ये टीचिंग्स उनके जीवन में वास्तविक अनुभूति बना, कई सारे परिवर्तन उनके इहम में और परम में भक्तों ने अनुभव किया है। इन सभी टीचिंग्स को हम यूट्यूब में कल्की धर्म वीडियोस के नाम पर पेश किया गया है। चलिए उनमें से आज हम धर्म 70 वीडियो में जो भी टीचिंग्स दिए गए हैं उसे हम एक एक करते हुए आज सीखेंगे। प्रत्येक दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। श्री अम्मा भगवान के श्रीमूर्ति से यहाँ पर शहद आना आप देख सकते हैं। श्री भगवान माइंटिकी रावैया जय भगवान। इंटिंटा वेलसिना श्री भगवान माइंटिकी रावैया जय भगवान श्री भगवान। अभी हम आगे पढ़ेंगे मुक्ति मोक्ष दर्शन में मुक्ति के बारे में श्री भगवान जी ने जो भी कहा अभी हम उसको सुनेंगे। लेट्स से यू आर अ बुद्धिस्ट और यू आर एन अद्वैतन, यू आर अ फॉलोअर ऑफ आदि शंकरा एंड or you are a Buddha, same thing for both actually, not much difference. Let's take the Buddha. So we have Nirvana and Parinirvana. Nirvana is enlightenment which happens here while still you are alive, you are enlightened, which we are giving you of course. That is the cessation of thought. And that is Nirvana, where the mind is still most of the time and functions when required. So that is everything is there except you. The tree is there, the house is there, the car is there, everything is there except you. Now with the mind there, my car, my building, this is a mango tree, this is a tomato, a plant, all the stuff is there. No, that's not there. So only what is there is there. The tat tvamasi, the what, that only. What is there, you are that. Now you can say this is Nirvana. Now in Parinirvana, they talk about Parinirvana for the Buddha, he achieved Parinirvana. There is no afterlife for him, nor does he go into any heaven or anything, though those stories have been added. Basically, he is bhasmified. That is, let us say you got clay, lot of nice clay, out of which you have made a wonderful jar, beautiful jar. That is you for a beautiful jar. Now you achieved Parinirvana. So therefore what will happen is you will be hammered and made into powder and mixed with the clay. That is, you're totally gone. You came from clay, you went back to clay. Mixed up with the clay, you're gone, destroyed. So that will be Parinirvana. That also would be the condition of most of these Advaitins who follow Adi Shankara. They'll be bhasmified. A lot of you are Advaitins and you will be bhasmified. That is, you will just cease to exist in this loka, that loka, nowhere will you exist. So that is gone.
मान लीजिए एक बुद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, अद्वैत को मानने वाला व्यक्ति है जो आदि शंकराचार्य के अनुगामी है, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बुद्धा जहाँ पर निर्वाणा परिनिर्वाणा के बारे में बात किया जाता है, निर्वाणा अर्थात जीते जी मुक्ति पाना, जहाँ पर आपके भीतर विचार बंद हो जाएंगे वो निर्वाणा है, जहाँ मन स्थिर हो गया, जब जरूरत है तभी मन काम करेगा और आप अनुभव करेंगे कि सब कुछ है मगर आप नहीं है। किंतु जब आपका मन है जहाँ आप मुक्ति नहीं पाए, तब आपको कार है, घर है, पेड़ है, टमाटर है, सब कुछ है, किंतु मुक्ति के बाद वो चला जाता है। वहाँ जो कुछ भी है वो बस है, जिसे हम तत्वमसी कहते हैं, जो आपके सामने है वही है, इसे हम निर्वाणा कह सकते हैं। परिनिर्वाणा में वो बात करते हैं, जैसे बुद्धा के बारे में बात करते हैं कि वो परिनिर्वाणा प्राप्त किए हैं, जहाँ पर उनके लिए दूसरा जन्म नहीं है, वो पूरी तरह से स्वर्ग में चले गए, ऐसे कई सारे कहानियां जुड़ के बोलते हैं। किंतु हमारे भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। जैसे कि मिट्टी आपने लिया, बहुत सुंदर सा एक जार बना दिया, तो आप परिनिर्वाणा को प्राप्त कर गए। जैसे कि एक हथौड़ा से मार के पूरी तरह से पाउडर किया गया, उस पाउडर को मिट्टी में मिला दिया गया, तो आप पूरी तरह से चले गए और फिर से आप मिट्टी से आ सकते हैं, आप मिट्टी में एक हो गए, आपका अस्तित्व मिट गया है पूरी तरह से, तो उसे हम परिनिर्वाणा कहते हैं। ये अद्वैत जो भी फॉलो करते हैं उनमें ये स्थिति प्राप्त होता है, जहाँ पर वो और नहीं है, पूरी तरह से वो मिट गए, उनके भीतर वो अस्तित्व मिट गया, इस लोका में, दूसरे लोका में वो कहीं भी नहीं है, उनका अस्तित्व मिट गया है। अगला टीचिंग को देखेंगे। मनुष्य का मन जो पाया है उसे उपेक्षित करके जो नहीं पाया है उसी को देखता है। अगर आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं कि आपके करीबी रिश्तों में पति पत्नी दोस्त या आपके सहकर्मी, आपका जन्मदिन है, उन्होंने कहा आपको जो चाहिए बोलो सब कुछ लाके देंगे, और आपने 10 चीजों का लिस्ट दे दिया, उन्होंने 9 चीज आपको दे दिया, एक नहीं कर पाए, तो आपको क्या याद रहेगा, वो 9 चीज या एक चीज जो नहीं हुआ? स्वाभाविक रूप से जो नहीं हुआ। आपके बेटे को आपने 10 काम दिए, उसने 9 काम खत्म कर दिया, एक नहीं किया, तो बस आप वही देखेंगे। आपके माँ आपके जीवन में कितना कुछ किए हैं, मगर आपको जब मदद चाहिए था उन्होंने नहीं किया, तो वही बात को पकड़ के बैठे हैं। आपके पिताजी ने आपके लिए जाने क्या क्या कर दिया, मगर 1,00,000 जब आपको चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, जिंदगी भर उसी चीज को लेकर आप ताना मारते रहते हैं। आपके दोस्त आपके जीवन में कई बार आपको मदद किए, मगर 1 बार हेल्प नहीं किया, तो वही याद है। ईश्वर ने आपको कई सारे वरदान दिए हैं, मगर उसमें से 2 चीज आपको नहीं मिले तो आप कृतज्ञता विहीन हो गए। ऐसे क्यों हम लोग इतना अनग्रेटफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में हमने जो प्राप्त किया उसे नहीं देख रहे हैं, हम इसके लिए अपने आप को भी दोष देते रहते हैं, मगर इसका कारण है मानव का मन। इस मन के कई सारे क्वालिटीज है, उसमें से ये एक गुण है कि वो जो पाया है वो नहीं देखता है, उसे उपेक्षित करके जो नहीं पाया है उसी के ऊपर ध्यान डालता है। इसीलिए मनुष्य कृतज्ञता विहीन है, क्योंकि मन का यही स्वभाव है। अगला टीचिंग है, हर साधना आपके अचेतन मन को प्रभावित करता है। एक सचेत मन है और अचेत मन है। अचेत मन सचेत मन से 20,00,000 गुना अधिक शक्तिशाली है। हम तरह तरह के साधना के जरिए ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, प्राणायाम, योगा, प्रार्थना, पूजा, हवन, हर साधना हमारे अचेत मन को प्रभावित करता है, किंतु कोई भी साधना हमें मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति केवल हम आशीर्वाद से पा सकते हैं, कोई भी किसी भी साधना करके मुक्ति प्राप्त नहीं किए हैं, किंतु साधना अवश्य हमारे अचेत मन को प्रभावित करता है। अगले टीचिंग को देखेंगे, सत्य आपको विनम्र करता है। आपने सुना होगा जिस पेड़ में बहुत ज्यादा फल होते हैं वो पेड़ झुका होता है, ठीक वैसे ही जिनके पास हुनर है, प्रतिभा है, निपुणता कौशलता है, वो बहुत ही विनम्र रहते हैं, जबकि पात्र जब खाली होते हैं बहुत शोर मचाते हैं। तो जो सत्य निष्ठा पालन करते हैं वो अपने आप को देख पाते हैं, अपने विचार मनोभावनाएं मैं की भाव कैसे काम कर रहा
क्या है, वो कैसे खुद के लिए मात्र काम करते हैं, हर चीज को लेकर वो स्पष्ट होता है। अगर कोई गलती अगर कर भी दे, उसके लिए वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने भी अतीत में वैसी ही गलतियां किया है, वो भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए वो किसी को कठोरता के साथ कुछ नहीं कहते। आज हम अपने सच्चाई के बारे में सचेत नहीं है, इसीलिए हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जब आप सचेत हो जाएंगे तब आप किसी को भी मूल्यांकन नहीं कर सकते, ना ही किसी के साथ आप अपने आप को उत्तम या अपने आप से किसी को बहुत निम्न स्तर में देखना पसंद करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सारे गुण आपके अंदर में भी है जैसे दूसरों में है, और ये सत्य आपको विनम्र कर देता है। सफलता का रहस्य देखेंगे। पिता आपके धन और माता आपकी सफलता। जब आपके पिताजी के साथ रिश्ता अच्छा होता है तो आपके जीवन में आर्थिक रूप से आप बहुत विकास करेंगे, आर्थिक रूप से आप दृढ़ बन जाएंगे। जबकि पिताजी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है तो कई सारे आर्थिक समस्याएं आ सकते हैं। कुछ न कुछ समस्या आएगा, जैसे कि आपका ऋण आप चुका नहीं पा रहे हैं, ऋण बढ़ गया है, आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, कोर्ट का केस हो गया, लोन नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, खर्चे बढ़ गए हैं मगर इनकम नहीं बढ़ा है। बस इतना ही नहीं बल्कि आपके रिश्तों में हर पुरुष के साथ की जो भी रिश्ता है वो भी प्रभावित करता रहता है। अगर माँ के साथ रिश्ता अच्छा है तो आपके जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे, अगर अच्छा नहीं है तो अनावश्यक आपके जीवन में कई सारे बाधाएं सफलता के पथ में आते रहेंगे, वो छोटा हो या बड़ा हो। जैसे कि आपका घर आपने शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है मगर वो रुक गया है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, शादी फिक्स हो गया है लास्ट मिनट में कैंसिल हो गया, कोई कारण ही नहीं है, इंटरव्यू के लिए आप जाने वाले थे, ट्रैफिक जाम में इस कदर फंस गए कि आप पहुंच ही नहीं पाए हैं। आपके रिश्ते जब ठीक नहीं रहते, विशेष रूप से आपके माँ के साथ, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपके बाह्य दुनिया में सफलता भी इसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है। जब माता पिता के साथ रिश्ता सुधारिए करके आपको कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपका रिश्ता कैसा है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं सब तो ठीक है, अभी का नहीं है। आपको सोचना है कि आपके बचपन में क्या क्या हुआ था। अभी हम आगे बढ़ेंगे, जीवन के बारे में सीख को अभी यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिए। श्री भगवान, हमारे मन में सकारात्मक विचार से अधिक आसानी से नकारात्मक विचार क्यों प्रवेश करते हैं? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, हाँ, आप कौन से युग में जी रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ये है कलयुग का स्वभाव। आप खुश हो सकते हैं कि कलयुग का अंत हो रहा है एवं स्वर्ण युग का आगमन हो रहा है। ये दुनिया में आप जो भी नकारात्मक बातें सुन रहे हैं उसके साथ भी बहुत अच्छी घटनाएं भी घट रहे हैं। श्री कल्कि के चमत्कार को देखेंगे। अमी हरियाणार कुरुक्षेत्र थेके उषा शर्मा बोलछी। সম্প্রতি তপস প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। তপস করার পর থেকে আমার ভিতরে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে। তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা, অন্তরের কোনো উদ্বেগ, অস্থিরতা বা অস্বস্তি আর নেই, বদলে পরম শান্তি বিরাজ করছে। আমি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সবকিছু করতে সক্ষম হচ্ছি। কিছু ভুলভ্রান্তি হলে অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলেও সেগুলি আমাকে আর বিব্রত করছে না, এমনকি ভুল করলেও অপরাধ বোধ জেগে উঠছে না। সেখানে কোনো কষ্ট নেই, আছে সচেতনতা এবং বাস্তবতার এই উপলব্ধি যে আমি ভুল করেছি। কোনো কষ্ট, অনুশোচনা বা অপমান বোধ ছাড়াই আমি কেবলমাত্র নিজের ভুল স্বীকার করতে পারছি। আমি জীবনের সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছি, অর্থাৎ অতীত কিংবা ভবিষ্যতের কোনো ঘটনাই আমাকে বিব্রত করছে না। আমি সম্পূর্ণরূপে বর্তমানকে উপভোগ করছি। আমি যে খাবার খাচ্ছি সেটিকে উপভোগ করছি এবং হাঁটতে যাওয়া আমার কাছে একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। আমি অন্তরে সুন্দর স্থিতি অনুভব করছি ও খুবই আনন্দে আছি। এরকম অনুগ্রহ প্রদান করার জন্য আমি আমার প্রিয়তম শ্রী কল্কির কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদেরকে আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ।
শ্রী আম্মা ভগবানের পাদপদ্মে আমি অনন্ত কোটি ধন্যবাদ জানাই। जब हम चमत्कारों को दूसरे के साथ बांटते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होता है। आज हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा को पहचानना बहुत आवश्यक है। जो भी अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को पहचानते हैं, उनके जीवन में कृपा और भी अधिक बरसने लगता है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो भी टीचिंग सुना है, एक बार आपके जीवन में आप कौन से टीचिंग का अवलंबन करना जरूरी है, अनुध्यान करें। अभी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, श्री कल्की से अनुरोध करेंगे। हमारे लिए ये ज्ञान व्यक्तिगत रूप से एक सेल्फ रियलाइजेशन बनना है करके प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हमारे जीवन में चमत्कार प्राप्ति होने के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम श्रीम सर्वदेव परम परम ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। चलिए अभी हम भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के साथ दृढ़ बंधन और उनके कृपा को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। श्रीकर शुभंकर भगवती भगवान देव देव श्री भगवती भगवान नमो नमः। कलियुगावतार मुक्ति प्रदायक शक्ति स्वरूपा ओम श्री भगवती भगवान देव देव। अखिलांड निखिलांड ब्रह्मांड तेजो स्वरूप ओम नमो नमो श्री भगवती भगवान देव देव। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।